बच्चा जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा होता है तो सबसे बड़ा डाउट आता है कि शेड्यूल क्या रहना चाहिए तैयारी का। अक्सर बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं कि मैम कितने घंटे पढ़ना चाहिए, सुबह पढ़ना चाहिए या रात को पढ़ना चाहिए, क्लासेस के साथ हम अपनी सेल्फ स्टडी को कैसे मैनेज करें, या अगर वो जॉब कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी को कैसे मैनेज करें। सो लॉट ऑफ टाइम्स द क्वेश्चन और द मेन प्रॉब्लम दैट दे फेस इज अबाउट द शेड्यूल दे शुड फॉलो। सो फर्स्टली, अगर आप किसी और एक्टिविटी के साथ अपनी तैयारी कर रहे हो, खास करके यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो अपने दिन को जितने घंटे आपको अपने काम में या अपनी क्लासेस में लगते हैं उसको हटा के कम से कम 6 से 7 घंटे की सेल्फ स्टडी का टाइम जरूर निकालना चाहिए। दिस इज फर्स्ट। सेकंड, हमें अपने शेड्यूल के लिए ब्लॉक्स में टाइम ब्लॉक करना चाहिए। दिस इज नोन एज टाइम ब्लॉक। जैसे अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने दिन को 4 से 5 ब्लॉक्स में बांट लीजिए, दो दो ढाई ढाई घंटे के ब्लॉक्स के अंदर। या अगर आप आपको फोकस कम लगता है, आप थक जाते हो 1 या 1.5 घंटे बाद, तो 1.5 घंटे का 1 घंटे का ब्लॉक आप पढ़ाई का बना सकते हो। लेकिन जो भी है बड़ा डेडिकेटेड होना चाहिए। जैसे ब्रेकफास्ट के बाद ये 1.5 घंटा या 2 घंटा मैं ये काम करूंगा, उसके बाद आई विल टेक अ ब्रेक, उसके बाद ब्रेक लीजिए, फिर दोबारा से 2 घंटे काम कीजिए, फिर ब्रेक लीजिए, फिर 2 घंटे काम कीजिए, फिर ब्रेक लीजिए 1 घंटे का आधे घंटे का। इससे क्या होता है, आपको रेगुलर टाइम्स पे ब्रेक भी मिल जाता है और जो वो 2 घंटे हैं यू रिमेन क्वाइट फोकस्ड, आपका फोकस बनता है, क्योंकि आपको पता है कि अब ये 2 घंटे मुझे और कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है। हाउ टू डिवाइड योर डे? सो मेजरली अगर हम देखें हमारी यूपीएससी की तैयारी में 3 4 बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स हैं। फर्स्ट इज जनरल स्टडीज स्टैटिक, जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, इनका स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट करना है। लक्ष्मीकांत पढ़नी है, स्पेक्ट्रम पढ़नी है, या और भी कोई आपको इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ना है, एथिक्स पढ़ना है, दीज आर स्टैटिक सब्जेक्ट्स। तो इनका स्टैटिक वाला पोर्शन कंप्लीट करने के लिए हमें दिन में एक ब्लॉक चाहिए। दूसरा, करंट अफेयर्स एंड न्यूज़पेपर। सो वी रीड न्यूज़पेपर, वी रीड डिफरेंट मैगजीन्स, वी ऑल्सो ट्राई एंड रिसर्च। हम रिसर्च करते हैं अलग अलग थीम्स पे, क्योंकि मेन्स के लिए थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। हर थीम के लिए हम क्या प्रॉपर डेटा इकट्ठा करना है, प्रॉपर पॉइंट्स आर्ग्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं। सो वन ब्लॉक शुड बी अबाउट रीडिंग न्यूज़ पेपर एंड जनरल स्टडीज करंट अफेयर्स, डायनेमिक पार्ट ऑफ इट। थर्ड, योर ऑप्शनल, वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा GS 1000 मार्क्स का आता है और ऑप्शनल 500 मार्क्स का आता है। सो दिस मीन्स वट एवर टाइम यू आर डिवोटिंग फॉर GS, एटलीस्ट हाफ ऑफ दैट शुड बी डिवोटेड टू ऑप्शनल। तो अगर आप GS में 4 घंटे दे रहे हैं तो आपको ऑप्शनल में 2 घंटे जरूर देने चाहिए। देन अनदर इज SA। मोस्ट ऑफ द टाइम वी स्किप द प्रैक्टिस ऑफ SA, सम हाउ वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। हमें ऐसा लगता है कि SA तो मतलब लिख ही देंगे, है ना, बाकी कुछ पढ़ लेते हैं। लेकिन जिस भी चीज़ के लिए आप स्पेसिफिक टाइम नहीं निकालोगे, स्पेसिफिक आप उसके लिए काम नहीं करोगे, वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगा। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम उसको एकदम सैक्रोसैंक्ट तरीके से उस पर भी प्रिपेयर करें। सो SA इज 250 मार्क्स, सो प्रिपेयर फॉर दैट। एटलीस्ट 1 SA यू शुड राइट पर वीक। हफ्ते में 1 बार SA जरूर लिख के देखिए, प्रैक्टिस बनती है, धीरे धीरे फ्लो बनता है लिखने का। लास्टली, प्रैक्टिस ऑफ MCQs एंड आंसर राइटिंग। तो अगर हम देखें, हमारे पास एक्टिविटीज हो गई GS स्टैटिक, GS डायनेमिक यानी करंट अफेयर्स, ऑप्शनल, SA प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ MCQs एंड आंसर राइटिंग। दीज आर द मेजर 5 ब्लॉक्स। अब कैसे डिवाइड करें? सम पीपल लाइक मोर डायनेमिज्म। वो 2 घंटे अगर उन्होंने GS पढ़ लिया है, उसके बाद उन्हें GS पढ़ने का मन नहीं करता, उन्हें लगता है अब ऑप्शनल पढ़ते हैं। इफ़ यू आर दैट काइंड, अगर आपको वैसे पढ़ाई करना अच्छा लगता है, तो अपने दिन को 4 भाग में बांटो। पहले 2 घंटे में 2.5 घंटे में GS का स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट करो, अगले 2 2.5 घंटे में ऑप्शनल को पढ़ो, उसको प्रैक्टिस करो, अगले 2 2.5 घंटे में न्यूज़पेपर पढ़ लो, करंट अफेयर्स की जो आपको थीम्स प्रिपेयर करनी है वो कर लो, और लास्ट का जो घंटा है उसमें MCQs की प्रैक्टिस करो। अगर आप कहीं पे क्लासेस कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑफ कोर्स, जैसे हम तथास्तु में हर डेली टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, तो वो जो टेस्ट होते हैं वो आप उस वाले पोर्शन के अंदर करो, ताकि उस वाले टाइम स्लॉट में करो, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आंसर राइटिंग जो आपको लिखते हो वो आंसर राइटिंग आप करो। सो दिन में 4 ब्लॉक्स आपके रहेंगे। यू ऑल्सो नो वट यू हैव टू डू, दिस इज़ 1 वे ऑफ स्टडिंग। बट देर आर सम स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक साथ
सब्जेक्ट खत्म करने में आनंद आता है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर 1 घंटे में तो हमने सिर्फ माहौल बना है, अभी पढ़ाई शुरू हुई है, तो मुझे एट अ स्ट्रेच एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है एक दिन में। इसमें भी कोई बुराई नहीं है। अगर आपको ऐसे पढ़ाई करना ज़्यादा अच्छा लगता है तो अगेन डिवाइड योर डे इन 4 स्लॉट्स, उसमें कोई चेंज नहीं है। बट इन द सेम स्लॉट यू विल बी स्टडिंग द सेम सब्जेक्ट, एंड इन वन डे यू विल बी स्टडिंग वन सब्जेक्ट, नेक्स्ट डे मे बी यू नो यू विल बी डूइंग करंट अफेयर्स, नेक्स्ट डे मे बी यू विल बी डूइंग द ऑप्शनल, उसके नेक्स्ट डे मे बी यू विल बी डिवोटिंग मोर टाइम टू आंसर राइटिंग एंड MCQs। बट आई विल सजेस्ट कि आप MCQs और आंसर राइटिंग डेली बेसिस पे करो, बिकॉज इट हैज़ अ कंपाउंडिंग इफेक्ट। द मोमेंट यू राइट डेली, जैसे कंपाउंडिंग इफेक्ट के कारण बहुत जल्दी ग्रोथ होती है, उसी तरह से आपके स्किल्स में भी बहुत तेजी से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आती है इफ़ यू राइट डेली। सो दिस इज अ सिंपल टेक्निक टू मैनेज योर शेड्यूल। नाउ देर आर सम पीपल हु प्रिपेयर अलॉन्ग विद देयर कॉलेजेस और दे प्रिपेयर अलॉन्ग विद देयर जॉब्स, नो प्रॉब्लम। फर्स्टली अगर आप जॉब्स के साथ प्रिपेयर कर रहे हो तो कोई अपने ऊपर ये स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम किसी से पीछे हैं, या फोमो में आने की ज़रूरत नहीं है कि बाकी लोग पूरा टाइम बैठ के तैयारी कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे हैं। बिकॉज सच ये है कि जब पूरा टाइम बैठ के कोई तैयारी करता है तो उसके ना डिस्ट्रैक्टर्स बहुत होते हैं, बहुत टेंशन होती है, बहुत दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं वो लेवलाइजर हो जाता है। तो अब आप क्या करेंगे अगर आप जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं? फर्स्ट, वट एवर टाइम यू हैव इन कॉम्यूटेशन ड्यूरिंग लंच ब्रेक, एनी फ्री टाइम दैट इज अवेलेबल टू यू, जब भी आपको कोई फ्री टाइम मिले, आप उस फ्री टाइम के अंदर कोशिश करो कि ऐसी वाली जो एक्टिविटीज़ हैं जो आप उस दौरान कर सकते हो वो कंप्लीट कर लो। जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ना, वन, अगर आपके पास ऑनलाइन एक्सेस है, आजकल सबके पास होता है, तो खासकर भी ऑनलाइन एक्सेस देता है, आपके ऊपर आप डाउनलोड करके रख सकते हो, तो आप मेट्रो से आ रहे हो, जा रहे हो, बस से आ रहे हो, जा रहे हो, लेक्चर सुन लो एटलीस्ट। उससे क्या होता है, आपका बहुत टाइम सेव हो जाता है, बाद में नोट्स आप घर जाके बना लो, आपका डबल रिविजन हो गया। या फिर आप अगर खाली ऑफिस में हैं, आपको लगता है लंच ब्रेक है, तो आप उस वक्त पे, क्योंकि बहुत सारे लोग आसपास होंगे तो आप याद नहीं कर पाओगे, उस समय पे नया टॉपिक पढ़ने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता, उस समय को आप MCQ प्रैक्टिस के लिए यूटिलाइज़ कीजिए, बिकॉज MCQ प्रैक्टिस में नेचुरली आपका ध्यान लग जाता है। तो ये इस तरह से आपने अपने ऑफिस से वापस घर आने तक के टाइम को यूटिलाइज़ किया, एंड आफ्टर यू कम बैक रेस्ट, ठीक है, रेस्ट मे बी अ नैप फॉर हाफ एन आवर और ईट समथिंग, एंड आफ्टर दैट यू स्टार्ट योर शेड्यूल, उसके बाद अपना शेड्यूल स्टार्ट करो। जैसे कि अगर आप 5 बजे तक घर आते हो तो 6:30 तक अपनी पढ़ाई के शेड्यूल को आप स्टार्ट कर सकते हो 1.5 घंटा रेस्ट करने के बाद। और अब 6:30 से आपने अपने दिन को 4 में ना से ही, लेकिन एटलीस्ट 3 में या 2 में डिवाइड करना है, 2 घंटे या 2.5 घंटे ना से ही, लेकिन 1.5-1.5 घंटे के स्लॉट्स में या 2-2 घंटे के स्लॉट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। तो कोशिश करो कि 6:30 से 12:30 तक आप अपने टाइम को इस तरह से डिवाइड कर लो कि आप बड़े फोकस्ड तरीके से जो भी आपकी क्लासेस हैं, अगर आप ऑनलाइन देख रहे हो तो उन्हें ऑनलाइन ख़त्म कर लो, उनको उनके नोट्स बना लो, सेल्फ स्टडी के लिए जो आपको टाइम चाहिए, अगेन इट्स ऑल अबाउट दैट फोकस थिंग। अगर आपके पास टाइम कम है, यू विल हैव टू इंक्रीज योर फोकस, यू विल हैव टू बी मोर टारगेटेड, बट द एग्जाम डजेंट लुक फॉर एक्सक्यूजेस, एग्जाम नहीं देखेगा कि आपने जॉब के साथ किया या नहीं किया, आपने कैसे किया। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी। सो आई थिंक इट विल हेल्प यू टू फ्रेम योर ओन शेड्यूल, एंड आपको अपना शेड्यूल खुद ही बनाना चाहिए। कई बार आप मेंटर की मदद ले सकते हैं, जैसे मेंटर्स होते हैं वो आपकी मदद कर देते हैं आपका शेड्यूल बनाने में, लेकिन फिर भी इट शुड बी योर चॉइस, बिकॉज आपको सबसे अच्छे से पता है कि आप कौन से समय में सबसे ज़्यादा एक्टिवली पढ़ाई करते हो, किस समय पे आपको कितने घंटे की उस पढ़ाई को करने का मन कर रहा है। सो मेक योर ओन शेड्यूल, और अगर आप 70-80% भी अपना शेड्यूल फॉलो कर पाते हो, दैट इज गुड। डोंट ओवर यू नो ऑब्सेस अबाउट इट, इट्स ओके, समटाइम्स देयर विल बी डिस्ट्रैक्टर्स, बीच में कोई तबीयत भी खराब होगी, कोई घर पे भी आ जाएगा, कुछ और काम भी आ सकता है। तो अगर ऐसा होता है, अपने शेड्यूल में हमेशा एक थोड़ा सा पोर्शन एग्जीजेंसीज के लिए रखना चाहिए। जैसे मे बी एक दिन रख लिया आपने सैटरडे या संडे में से, कि वट एवर विल बी लेफ्ट इन द डे इन दिस वीक, जो भी हमारा पर डे थोड़ा 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 बैकलॉग अगर कुछ है वो मैं संडे को कंप्लीट कर दूंगा। तो आपके पास एक दिन है जिसमें अगर कुछ रह गया है, कुछ आप नहीं कर पाए, कुछ और डिस्ट्रैक्टर आ गया, तो आप उसमें वहाँ पे उसको मैनेज कर सकते हो। दिस वे यू रिमेन मोर सैटिस्फाइड एंड मोर काम, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली
किसी एक दिन शेड्यूल नहीं फॉलो हो पाए, दो दिन नहीं हो पाए, डोंट स्टार्ट ब्लेमिंग योर सेल्फ, स्कोल्डिंग योर सेल्फ, फीलिंग गिल्टी टू मच, बिकॉज कई बार सिर्फ ऐसा होता है एक दिन खराब हुआ, उसके गिल्ट में बच्चों ने तीन तीन दिन खराब कर दिए। कभी एक दिन आपका सही नहीं गया, एक एक घंटा सही नहीं गया, उसके चक्कर में बच्चे कई कई दिन तक सल्क करते रहे कि मुझसे तो होगा ही नहीं, ये तो मैं तो लायक ही नहीं हूँ, और ये सारी चीजें। सो डोंट गेट इनटू दैट साइकिल, बी वेरी वेरी क्लियर। ओके, एक दिन खराब हो गया, ठीक है, कोई बात, जस्ट फॉरगेट इट, स्टार्ट न्यू, नए शेड्यूल से स्टार्ट करो, एंड बी डिसिप्लिन्ड। शेड्यूल इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन, आपने बनाया अपना शेड्यूल और आपको फॉलो करना है। और कई बार वी हैव टू हैव दैट स्टबर्न एटीट्यूड। मुझे नहीं पता वो कौन सा वो कोई मूवी थी जिसमें सलमान खान बोलता है कि एक बार मैं कमिटमेंट कर देता हूँ तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता, समथिंग लाइक दैट। इफ यू हैव मेड अ कमिटमेंट, डू इट। कभी कभी अपनी भी नहीं सुननी चाहिए। थैंक यू।